Good evening ladies and gentlemen. Welcome to Deep Talks Bhagavad Gita. Our entire Deep Talks team is extremely glad to see all of you here. First and foremost, we would like to say a very big thank you for the immense support we have received from all of you over this year and a half. And we won't shy away from saying that Deep Talks has been such a phenomenal success all because of your love and support. Before we begin today's session, I would like to ask a few questions. वॉट इज़ द पर्पज ऑफ़ लाइफ मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है हरे कृष्णा मनुष्य जीवन का उद्देश्य हम लोग जन्म लेते हैं बचपन से संस्कार के हिसाब से कुछ लोगों को ज्ञान मिलता है और कुछ लोगों को अपने आप ज्ञान मिल जाता है हमारा जीवन सार्थक होने के लिए मनुष्य जीवन सबसे ईमानदारी सच्चाई परोपकार प्रसन्नता खुशी इसको प्रामुख्यता देखकर जिंदगी इंसान बिताना चाहिए और ये सब किसके पास नहीं है वो तो जिंदगी में मज़े आने का सवाल ही नहीं होता थैंक यू The purpose of my life, I will talk about myself, is to live my life to the fullest. Live my life to the fullest. And second, uh, to live my ambition. Second would be to live my ambition. Like achieving your potential. Yeah, and when I'm alive. Anybody else? Are you? Thank you, sir. Anybody else? Hello. कुछ लक्ष्य प्राप्त करने का जीवन में उसका ये उद्देश्य और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में क्या और कौन बाधा बनता है हमारा भय हमारा डर आपका डर एनी बड़ी एल्स हम खुद ही अपने आप को रोकते हैं जी मन की वासना मन की वासना अवरोध है इस पूरे प्रोसेस में दीप टॉक्स और दीप त्रिवेदी जी ने आपको अपने इस उद्देश्य को पाने में कैसे मदद की है हाउ mm. हैज दीप त्रिवेदी जी हेल्प यू अचीव यू नो फाइंड द पर्पज ऑफ योर लाइफ कृष्ण को जैसी पूर्ण चेतना थी ऐसे ही हर मनुष्य को पूर्ण아 चेतना पूर्ण아 चेतना की तरफ ले जाने का उसका आशय है और प्रयत्न है आपको दीप टॉक्स भगवत गीता के थ्रू या दीप टॉक्स ताओ ते के थ्रू हैज एनीबॉडी वो पर्पस फाइंड करने में आसानी हुई थी दीप टॉक्स भगवत गीता के थ्रू आपको वो पर्पस अपना उद्देश्य ढूंढने में आसानी हुई थी हां जी हां हरे कृष्णा <laughs> अब हमारा दीप त्रिवेदी जी के प्रवचन में बैठ के मुझे ये महसूस मुझे कभी महसूस नहीं होता लेकिन इस सत्संग की भगवदगीता पे बैठ के मन में ये महसूस होने लगा है अरे यार हम लोग भगवद गीता इतना अच्छा हो के हम ढंग से पढ़ा नहीं है और समझाया नहीं है अभी यहाँ बैठ के मेरे मन में ये महसूस हो रहा है भैया गीता में कुछ अब हम सीखना पड़ेगा मन का विचार को बदलाना पड़ेगा अब यहां से मुझे शुरू होने लगा इससे पहले ऐसे भावना था ही नहीं थैंक यू त्रिवेदी से मिलके सबसे पहले तो मुझे मेरी खुद की साइकोलॉजी पता चली खुद की साइकोलॉजी पता चलने के बाद मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे से करीबन बीस साल बड़े हैं मैं काफ़ी सालों से वो सोच रहा था कि ये किस मिट्टी का आदमी है जैसे ही मैंने <laughs> क्योंकि उसके बारे में आपको मैं सबको बताना चाहूँगा कि वो मेरे से 20 साल बड़े हैं और 16 साल की उम्र से उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने जो उसकी लाइफ में अचीव किया और अचीव करने के बावजूद भी आज तक मैं देख रहा हूँ कि आज भी वो पचास साल पुराना चार सौ रुपये का जो पलंग है उसमें ही वो सोते हैं और चार सौ रुपये का कबाट है उसमें ही वो सोते हैं रहते हैं मतलब उसका सामान रखते हैं मतलब इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो इतनी सिंपल लाइफ जी रहे और मैंने देखा है पचास साल की उम्र ये पचास साल की लाइफ में उन्होंने ना तो बिजनेस में कभी आठ दिन की छुट्टी रखी थी ना ही कभी पचास साल में वो बीमार हुए कि दो दिन हॉस्पिटलाइज हुए वो उसका पैसन वो मुझे दीप त्रिवेदी से पता चला कि पैसन क्या होता है मतलब पैसा उसको छुआ भी नहीं है आज तक भी नहीं छुआ तो पहले मुझे मेरी साइकोलॉजी पता चली जैसे ही मुझे मेरी साइकोलॉजी पता चली बाद में मैं उसको पहचान पाया कहने का मतलब क्या अगर हमको हमारी साइकोलॉजी पता चलती है तो हम दूसरों की साइकोलॉजी भी जान सकते हैं ये मुझे दीप त्रिवेदी से जानना मिला धन्यवाद थैंक यू सो मच सर जी मैं ये कहना चाहूँगा कि आ, सबसे पहले तो मेरे जो है ना मतलब यहाँ पे सेशन अटेंड करने से पहले जो बाहरी ज्ञान था उससे मैं काफ़ी भ्रमित था जब यहाँ सुनने लगा तो उन्होंने जब कहा कि जीवन ऑटोमेशन मोड पे छोड़ दो तो तब से मैं छोड़ना चालू कर दिया तो कमाल पे कमाल कमाल पे कमाल हो जा रहा है अब दूसरा कमाल ये हुआ कि एक दिन तो हॉस्पिटल से मैं खुद आया मतलब जो का देखा जाएगा ऑटोमेशन मोड पर छोड़ दीजिए हॉस्पिटल से एडमिट करके डॉक्टर से मैं परमिशन लेके आया वो अपने, आ, अपने भी आया। आई भी लगा के आया था राइट अब बाद में मेरे बच्चे भी बोले पापा आप गाँव जाते हैं बच्चों को यहाँ पे लेकर आया बच्चों भी सेशन सुनने लगे और अभी भी शायद घर पे बैठा होगा मेरा लड़का इस पर देख रहा होगा वो तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि पापा आप मेरा मेरा सवाल पूछिएगा अब उसकी स्टाइल ऐसी बढ़ गई ये हो गई है कि कभी बोलता पप्पा मुझे घूमने लेके चलो क्योंकि जो होना चाहिए वो होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए बड़े अच्छे से समझ लेना मन बुद्धि अहंकार बीच में मत घुसाड़ो उसमें मैं उसको जवाब देता बेटे आप तो कमाल पे कमाल कमाल पे कमाल किए जा रहे हो आप मुझे पता गया कि मैं आपका पापा नहीं आप मेरे पापा हो सो मच सर सो हम एक चीज तो हमेशा कह सकते हैं कि दीप त्रिवेदी जी ने हमारे जीवन को देखने का नजरिया बदल दिया है हेलो मैं दीप जी के सेशन में आती हूँ बहुत टाइम से आती हूँ दीप जी को जब भी सुनती हूँ तभी ऐसा होता है कि जीवन अपना बदलना चाहिए और किसी के बोलने से ये नहीं बदलता है अपने आप बदलना चाहिए तो मैं हमेशा सत्य के साथ चलती हूँ सब लोग मेरे को बोलता है इतना सत्य अभी बोलने का ज़माना नहीं है तू तो सत्य पे मत जा तेरी जीत नहीं होगी मेरे को मेरे को जीत हासिल नहीं करना है मैं तो सत्य में रहना है तो दीप जी की बात सुन के मेरे को एहसास हो गया कि सत्य का सत्य में रहना अच्छी बात है और सत्य की जीत होती ही है वो रिस्पॉन्स मुझे इधर से मिला तो दीप जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी थैंक यू सो मच हम कहते हैं कि दीप टॉक्स एक जादू है जो आपकी दुनिया बदल सकता है आपका सिर्फ सुनना पर्याप्त है क्या आपने इस जादू को अपने जीवन में महसूस किया है इस सुनने की जादू को आप में से किसी ने इस जादू को अपने जीवन में महसूस किया है तो प्लीज हमें बताइए एक्चुअली इससे पहले तो मैंने भगवत गीता कई बार सुन रखा था लेकिन हर बार सुनने के बाद ना मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता था तो जब सर को मैंने सुना तो उस वक्त मुझे ये लगा कि नहीं मैं जो मैं जो बंदा हूँ वो तर्क ले जाता हूँ अगर लॉजिक राइट right है तो मैं उसके साथ जाता हूँ और यहाँ पर जब इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से सर ने किया है उस इंटरप्रिटेशन के बाद तो मैं कम्प्लीटली मानता हूँ कि जो तर्क है वो तर्कपूर्ण है पूरा भगवदगीता तर्क पूर्ण है और जो मन की व्यथा है जो अर्जुन हमारी हमारी व्यथा बता बराबर बताता है और हर बार मुझे जो एक प्रश्न आता है लेकिन क्या करूं अगले ही श्लोक में उस प्रश्न का निवारण हो जाता है <laughs> आपके सारे प्रश्न बहुत गंभीर थे और मैं तब से सोच रहा हूँ कि इतने गंभीर प्रश्न आपके दिमाग में कैसे आ गए सबसे आश्चर्यजनक बात तो यही है और यही दीप जी के टॉक का जादू है जो प्रश्न बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दिमाग में नहीं आते आप जैसी सुंदर महिला के दिमाग में आ गए तो थैंक यू सो मच सर सचमुच मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा कि दीप जी के दीप जी का जादू तो प्रत्यक्ष दिख रहा है इसमें कुछ हमें कुछ खास बताने की बोलने की आवश्यकता ही नहीं है सब कुछ जादू ही जादू है धन्यवाद सर हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी Uh, and good evening to you, ma'am. गुड इवनिंग My. Uh, I have never, मैंने कभी गद भगवद गीता कभी सुनी नहीं थी फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि जब भी वो बुक देखता था भगवद गीता का उसमें जो श्लोक होते थे इट यूज टू बी रियली ड्राइव यू के बोले नहीं ये तो कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों का है हम जैसे साधारण लोगों के लिए बिल्कुल ये बुक है ही नहीं पर यहाँ आके दीप जी से मिलके और दीप सर से जो बातें हमने सुनी और जिस प्रकार उन्होंने साइकोलॉजिकली वे में हमें समझाया दैट इज़ रियली मेमोरेबल और लगता है कि इट इज़ सो सिंपल पहले हमें ऐसे ही संस्कृत के श्लोक जो पादम पादम जो बोलते थे हमें समझ ही नहीं आता था इसका मतलब क्या है और इसका अर्थ क्या है सो बेसिकली उन्होंने जो जिस प्रकार सिंप्लीफाइड वे में एक साइकोलॉजिकल वे में हमें से जो समझाया है दैट इज़ रियली मेमोरेबल एंड दैट इज़ रियली चेंज आर लाइफ थैंक यू थैंक यू सो मच सर हेलो इधर इधर सॉरी हेलो आज से पंद्रह साल पहले कोई मेरे घर पे आते थे ये मुझे कृष्ण और अर्जुन का समान सुनाते थे एक घंटा मुझे बिठाते थे उसके पास लगातार वो आते ही रहे आते ही रहे लेकिन मुझे कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ता था <laughs> और खाना वो मेरे हाथ से खाना खाते थे इसे पंद्रह साल लगातार आए लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा अचानक ये दीप सर आए और उसने बोला तो इतना फटाफट अंदर उतरने लगा मुझे कुछ मालूम नहीं कैसे उतरा इतना एहसास है मेरे दिल में मेरे शब्दों में नहीं है मैं शब्दों में नहीं कह पाऊंगी एहसास तो बहुत भरा है अंदर सॉरी शब्दों में मैं नहीं कह पाऊंगी कुछ लेन विद दीप टॉक्स दीप त्रिवेदी जी हैज बीन अ टॉच बेर टू थाउजेंड

बहुत मुश्किल है कि मैं शब्दों में बयां कर पाऊँ जो अपनी क्योटिक लाइफ है हेक्टिक लाइफ है उसमें इतना वक्त निकाल के हफ्ते में तीन बार शाम को साढ़े सात बजे आना इतना दिल से सुनना और इतना ग्रास्प करना इट्स हेट सॉफ्ट यू ऑल सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जेन्यूनली अप्रिशिएट द चेंज दैट यू ब्रॉट इन यूर सेल्फ हमने तो मेहनत करी है दीप जी ने भी बहुत मेहनत करी है पर मेहनत का असर कब है जब उसका फल मिलता है तो आज जब आप लोगों के चेंजेस सुन रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन सुन रहे हैं आपका जो प्यार देख रहे हैं हमें ऐसा लग रहा है कि वाकई मेहनत कुछ अंश तक तो सफल हुई हमारी अब एक परिवार जैसा बन गया है हर शाम को वी ऑल ऑल्सो लुक फॉरवर्ड वेन यू ऑल विल कम विल सिट टूगेदर विल लिसन टू हिम एंड टेक आर जर्नी फॉरवर्ड द जर्नी दैट वी आर बिगिनिंग नाउ इज ऑन टेलीविजन एज नॉयला सेट

हम चाहते हैं कि जिन्होंने डे वन से जो मिस किया होगा शायद इस कौन का लेक्चर था वो एक फाउंडेशन सीरीज था साइकोलॉजी का उसकी एक अवेयरनेस सब तक पहुंचाई जाए क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा शब्द हो गया है कि पीपल हैव मेड इट अ वेरी हैवी वर्ड इफ यू टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल बुक आई डोंट थिंक सो एनी अस वुड वॉन्ट टू टच इट

जब कोई भी इंसान है दुनिया के किसी भी कोने में है जो लाभ हमें मिला है जिससे हमारा जीवन परिवर्तित हुआ है वो लाभ सबको मिले बट बड़ इतना बड़ा मिशन एक अकेले हमारे चंद हाथों से नहीं हासिल होने वाला है इसके लिए आज मैं आपके सामने आई हूँ कि हमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है क्योंकि जब बात दिल से कही जाती है वो दिल तक पहुँचती है दिल को छूती है और दिल में परिवर्तन करती है सो so, ये एक तारीख से जो अपना एपिक चैनल पे प्रोग्राम शुरू हो रहा है वो जिन्होंने कभी कुछ भी ना सोचा समझा शायद जीवन के लिए या अपने लिए उन सब के लिए एक ब्यूटीफुल जर्नी होने वाली है आप लोगों ने उसका अनुभव किया है बहुत अच्छा नहीं किया है तो भी हम चाहेंगे कि आप आपके फ्रेंड्स फैमिली हुए यू कैन मेक देम अवेयर That something like this is coming, or aim is only one, and that is, let people be made aware about this coming, because, Dibjina say many a times he has said, that most of us are not even aware of what we really want. You know? So when I have asked this to be spread, people have said that, okay, we'll forward it to the people who are interested in such subject. I would say, not just those people who are interested in this subject. But everyone in general, you really don't know when it strikes a chord with whom and whose life will be transformed. And trust me, for the younger generation to the older generation, everybody who's distressed in life, who wants to change his life, who's suffering from psychological problems, physiological illnesses, for all of them, this is going to be the turning point. All I seek from all of you is the support that please help us build the awareness. जितना हो सके आपके एंड से जिसको भी आप फॉरवर्ड कर सके प्लीज़ फॉरवर्ड करना ताकि जो पहले सेशन से इसमें जुड़ेंगे उनके लिए आगे तक जाना बहुत आसान हो जाएगा आज आप सब इतने टाइम से सुन रहे हैं गीता जैसी मुश्किल चीज़ जो आसानी से कभी ना कोई समझा पाया ना कोई समझ पाया आप सबके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाई है वो हम चाहते हैं कि वही ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ल्ड एट लार्ज में आकर हो दुनिया के हर इंसान को उसका फायदा मिले तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे आप सबका सहयोग मिलेगा श्योर सो प्लीज हमारी टीम आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेगी जितना हो सके जहाँ पर भी जो भी है प्लीज एक मैसेज स्प्रेड करना फिर उनके ऊपर है किसी के अंदर भी थोड़ी बहुत भी अगर प्यास होगी आज अपन इतनी गर्मी में सब बैठते हैं रोज राइट इतने बिजी शेड्यूल छोड़ के आते हैं क्यों क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, हमारे सबके भीतर एक प्यास है वही एक थोड़ा एक परसेंट भी होगा तो भी वो इंसान इसको सुनेगा सुनना एक बार पर्याप्त है उसका जीवन बदल जाएगा हम चाहते हैं कि दुनिया का हर इंसान सुखी हो सफल हो एक अच्छा जीवन जी सके मनुष्य जीवन डर डर मरमर जीने के लिए नहीं बना है तो प्लीज़ आप सब उसमें पूरा सपोर्ट करना और जितना हो सके उसको स्प्रेड करने की कोशिश करना Thank you very much for all your love and support. Thank you. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, Deep Talks is a noble endeavor initiated to uplift human life. Be a part of our initiative and spread the word that starting 1st November, Deep Talks will be telecast every Sunday from 8 a.m. to 9 a.m. on Epic Channel. Thank you so much. मैं आप लोगों का और जो वेबकास्टिंग पे हमें लाइव सुन रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हमारी आज की यात्रा हम आगे बढ़ाते हैं आज का पहला श्लोक है इस श्लोक का एक एक शब्द ध्यान से सुनना कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है इसलिए हे अर्जुन तू आसक्ति से रहित तो होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर सूत्र एक बार फिर से सुन लेना कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही मनुष्य कर्मों से बनता है इसलिए हे अर्जुन तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर मैं नहीं जानता कि गीता के इस श्लोक को या पूरी गीता को किसने किस तरीके से समझा है लेकिन गीता को जिसने जिस भी स्वरूप में समझा है वो उसकी बात और व्यवहार में झलक जाता है और सच कहूँ तो मैंने कृष्ण को और गीता को पकड़ते और बराबर पकड़ते या समझते बहुत बहुत मुश्किल से किसी को देखा है और उसके कई कारण हैं सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण इकलौते हैं उनके जैसा कोई कभी पैदा नहीं हुआ उस ऊंचाई को कभी किसी ने छुआ नहीं और इतने गजब के साइकोलॉजिस्ट हैं कि इनसे कृष्ण से कुछ भी छिपा नहीं है अब इतने पूर्ण व्यक्ति के इतने बड़े साइकोलॉजिस्ट के करीब जाने के लिए जीवन के सारे अनुभव जरूरी हैं, क्योंकि कृष्ण पूर्ण है एक भी रंग एक भी पहलू एक भी बात से कृष्ण अछूते नहीं है इसलिए कृष्ण को समझना या गीता समझना वाकई एक टेढ़ी खीर मनुष्य के लिए हमेशा से रही है कृष्ण की छोटी सी छोटी बात और गीता के साधारण से साधारण श्लोक को भी मनुष्य ने किस तरीके से समझा है ये जब मैं देखता हूं उनके जीवन में झाकता हूं तो बड़ा कष्ट होता है क्योंकि गीता जैसा ग्रंथ हो अर्जुन से बातचीत हो कृष्ण जैसा व्यक्तित्व तो हो और संसार में सुख और सफलता के झंडे चारों ओर न गढ़ रहे हो ये बात ही गले नहीं उतरती तो इस श्लोक को बराबर समझ लेना जो कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त यज्ञ के निमित्त किए हुए या किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बनता है इसलिए अर्जुन तू आसक्ति से रहित तो होकर यज्ञ के निमित किए जाने वाले कर्म ही कर इसमें दो बातें समझ लेना मनुष्य का दुख रत्ती भर भी कर्म में नहीं है मनुष्य का दुख कर्म से बंधने में है कर्म का जो बंधन है वो हमारा दुख है कर्म का जो बंधन है उस कारण हम असफल है कर्म का जो बंधन है वही हमारे जीवन में दुख और चिंता का कारण है कोई कर्म कैसा भी कर्म दुख का कारण नहीं है उसका बंधन हमारे दुख का कारण है सो कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म को छोड़कर दूसरे कर्म में लगा मनुष्य ही और उसी कारण से वो कर्मों के बंधन से बनता है अर्थात एक ही तरीके का कर्म है जिससे मनुष्य कर्म के बंधन से छूट जाता है और कृष्ण उसे कह रहे हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म अब कृष्ण ने उस समय गीता अर्जुन से कही जो युद्ध के मैदान में खड़ा है और कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं हो रहा है बड़े ध्यान से समझ लेना और अर्जुन की मनोदशा इतनी खराब है वो इतना भयभीत और भ्रमित है कि समझ में आता है कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो अर्जुन नहीं समझ सकता नहीं समझ पाएगा आसान नहीं है उस मनोदशा में किसी भी मनुष्य के लिए बगैर रिपीट टेलीकास्ट के और कृष्ण की ऊंचाई और साइकोलॉजी की अंतिम ऊंचाई सत्य की अंतिम ऊंचाई समझना असंभव है लेकिन जो गीता पढ़ते उनके लिए वाकई बड़ी आसानी है उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी गीता समझ में नहीं आई है और क्या कहूं मैं सो थोड़ा सा आप समझ लेना कृष्ण जो कह रहे हैं कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने के अलावा दूसरा कोई भी कर्म मनुष्य कर रहा है तो कर्म के बंधन से बंध रहा है और यह बंधन ही है ये बंधन ही है मनुष्य का जो उसे दुख और संकटों के भवरों में फंसा रहा है अर्जुन का दुख भी युद्ध नहीं है कर्म नहीं है अर्जुन का दुख ये है कि मेरे भाई मरेंगे या मैं मरूंगा या कौन जीतेगा या राज्य मिलेगा या नहीं या शास्त्रों में जो लिखा है उस अनुसार पाप को तो प्राप्त नहीं हो जाऊंगा यानी कि कर्म के तमाम बंधनों का दुख है अर्जुन का कर्म दुख नहीं है युद्ध दुख नहीं है युद्ध तो वो करता आया है युद्ध करना वो जानता है और दरअसल वो सिर्फ युद्ध करना जानता है So, आप भी समझ लेना जब भी संकट है दुख है असफलता है वो कर्म का बंधन है मैं भी किसी के भी जीवन में चाहे वो आज जीवित हो चाहे युगों पहले उन्होंने जीवन गुजारा हो क्षण भर में समझ में आ जाता कि ये किस परसेंटेज में यज्ञ के निमित्त कर्म कर रहा है और किस परसेंटेज में नहीं कर रहा है और उसी से उसके जीवन की पूरी बात समझ में आ जाती ये आप एक साइकोलॉजी समझ लेना साइकोलॉजी का अर्थ है कि कुछ भी छिपा नहीं है कुछ भी रहस्य नहीं है चाहे वो मनुष्य लाखों वर्ष पहले पैदा हुआ हो चाहे आपने उसकी कहानी ही लिख दी हो लेकिन कहानी के आधार पे ये समझा जा सकता कि ये जो कर रहा है या इसने जीवन में जो किया है उसमें कितने कर्म किस परसेंटेज में यज्ञ के निमित्त जो कृष्ण कह रहे हैं और किस परसेंटेज में नहीं है तो जब इतने पुराने व्यक्तियों को पकड़ा जा सकता तो जीवित व्यक्ति में से तो कोई भी बच नहीं सकता और कोई भी व्यक्ति हो कैसा भी व्यक्ति हो मैं जानता कि किस परसेंटेज में वो यज्ञ के निमित्त कर्म कर रहा है और किस परसेंटेज में नहीं कर रहा है या कर भी पा रहा है कि नहीं बस इससे पूरा डायरेक्शन तय हो जाता ये थोड़ा आप भी समझ लेना और आज तक मुझे नहीं मालूम कि यज्ञ के निमित्त कर्म किसने समझा So, आप ये शब्द अपने जहन में बिठा लेना कृष्ण कह रहे हैं कि एक ही कर्म यज्ञ के निमित्त इस शब्द को भूलना मत यहीं से आज हम हमारी यात्रा शुरू करेंगे उस हेतु कर्म करने वाला कृष्ण कह रहे हैं कि कभी भी कर्म के बंधन से नहीं बनता है और उसके अलावा मनुष्य जो भी कर्म करता है विदाउट एबीसीडी समझ लेना साइकोलॉजी में बार बार कहता हूँ ए बी सी डी नहीं है और जो ए बी सी डी कहता है उससे अभी साइकोलॉजी की पहचान नहीं है सो so, यज्ञ के निमित्त कर्म न करने के कारण ही हम और सभी युगों से कर्म के बंधन में बंधे हैं और डायरेक्टली प्रपोर्शनेटे कितने परसेंटेज में और कितनी दूरी से और कितने रिवर्स गेयर में उसकी गाड़ी चल रही है उसी से उसका जीवन तय हो रहा है कृष्णा मन और जीवन के मास्टर कृष्णा एक प्रेमी एक कलाकार एक गुरु एक राजनेता एक व्यवसायी कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी मराठी तथा गुजराती में एक साथ आत्मन -e साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट पर भी उपलब्ध है अब कृष्ण आगे कह रहे हैं और एक एक शब्द ध्यान से समझना मनुष्य की चेतना अपरंपार है सिर्फ सोई हुई है या कम जागी है मैं चाहता हूं उसे जगाएं, एक एक शब्द पकड़े आपके भीतर की बात है आप में वो क्षमता है सुनने की समझने की बदलने की समझाने की सारी क्षमताएं मनुष्य के भीतर है क्षमता खोजने बाहर नहीं जाना है वो भीतर है थोड़ा जगाएं तेजी से जगाएं मैं भी दिन रात एक ही कोशिश करता हूं कि मनुष्य की चेतना जागे और जिस परसेंटेज में जागेगी उसके लिए कुछ भी रहस्य नहीं रह जाएगा और जब रहस्य ही नहीं है कुछ भी सत्य ही सत्य चारों ओर प्रकट है तो सुख सफलता क्या दूर है बड़े ध्यान से समझ लेना दुख क्या है दुख एक ही है कि हमें सत्य का पता नहीं है हम जिसे हीरा समझते हैं वो पत्थर निकल जाता जिसे पत्थर समझ के ठुकरा देते वो हीरा निकल जाता जिसे पवित्र मान के करते वो पाप निकल जाता और जिसे पाप मान के छोड़ते वो पुण्य निकल जाता जिसे अपना मान के रखते वो दुश्मन निकल जाता और जिसे दुश्मन मान के छोड़ते वो बड़ी मित्रता निभाने वाला होता So, गड़बड़ सिर्फ इतनी है कि हमें सत्य दिख नहीं रहा है और सत्य इसलिए नहीं दिख रहा है कि चेतना सुप पड़ी है जिस मात्रा में चेतना जागेगी और जितनी जागेगी मैंने आपसे कहा कुछ भी संसार में रहस्य नहीं है न प्रकृति में कोई रहस्य है न मनुष्य के जीवन में रहस्य है न किसी मनुष्य में कोई रहस्य है कृष्णा कह चुके हैं कि सत का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है सिर्फ सत दिख नहीं रहा है बस झलक रहा है चारों ओर वही है दृष्टि जरा सी खराब है है ना, आँख बराबर साफ नहीं है तो सब उल्टा सुल्टा दिख रहा है बाहर धुआं और बादल है नहीं बाहर एकदम प्रकाश है सूर्य एकदम साफ है लेकिन आंख में गड़बड़ है रात की नींद पूरी नहीं हुई है आंख में सूजन है तो लगता है क्लाउडी क्लाइमेट है हे नहीं तो संसार पूरा क्लियर है इस श्लोक का एक एक शब्द आप सुनने की कोशिश करें समझने की कोशिश करें तो कृष्ण आगे कह रहे हैं कि हे है अर्जुन प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित ही देंगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है और अर्जुन यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं इन चार श्लोकों में कृष्ण ने मनुष्य के लिए जो बेसिक सिद्धांत है उसके जीने का मनुष्य जीवन का जो मकसद है एकमात्र वो स्पष्टता से कहा है अब एक एक लाइन से मैं शुरू करता हूं आप समझने की कोशिश करना बड़ा ही आसान और सिंपल है कृष्ण कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा अब प्रजापति ब्रह्मा शब्द कृष्ण उस समय की परंपरा अनुसार यूज कर रहे हैं कहने का तात्पर्य बड़ा सीधा और साफ है कि पहली बार जब सृष्टि अस्तित्व में आई तो शून्य एनर्जी आत्मा परमात्मा भगवान ब्रह्मा चाहे जो आप नाम दे दे यज्ञ यानी कर्म यज्ञ यानी वो बात नहीं जो वेदों में लिखी है बड़े ध्यान से समझना यज्ञ यानी कर्म और यज्ञ का दरअसल एक ही मतलब होता है कर्म तो कृष्ण कह रहे हैं कि शून्य ने सृजनता का कर्म किया और एक ही बात कही जब मनुष्य अस्तित्व में आया तब एक ही बात कही यानी कि एक ही मकसद से उसे पैदा किया और छोड़ दिया कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा यानी कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो बड़े ध्यान से समझना तुम लोग कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो तथा यह या यज्ञ यानी कि कर्म तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो बस इस एक सिद्धांत से मनुष्य अस्तित्व में आया है कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता पूरी प्रकृति में सिर्फ मनुष्य को है और किसी को नहीं है सो कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि रचना का जो कर्म हुआ शून्य ने यह जो कर्म किया परमात्मा ने यह जो कर्म किया और सृष्टि दे दी अब सृष्टि में किसी मनुष्य को कुछ करना नहीं है पानी भी मिल रहा है हवा भी मिल रही है चांद तारे भी अस्तित्व में पृथ्वी भी घूम रही है सब कुछ रेडीमेड है और फिर चेतना का स्वरूप बढ़ते बढ़ते जब मनुष्य के स्वरूप में आया तो एक ही बात कही कि तुम्हें मैं कर्म की स्वतंत्रता देता हूं पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण शब्द समझ लेना मनुष्य पूर्ण स्वतंत्र है रत्ती भर उसको पूरी प्रकृति मिलके परमात्मा भी चाहे जिसे भी आप परमात्मा कहते हैं वो भी क्षण भर को आपके जीवन में इंटरफियर नहीं कर सकता पूर्ण स्वतंत्रता है आप चाहे जीवन भर चोरी करें कोई रोकने वाला नहीं है जीवन भर ईर्ष्या करें कोई रोकने वाला नहीं है जीवन भर उपवास करें तो भी कोई रोकने वाला नहीं है जीवन भर प्रेम बांटे तो भी कोई रोकने वाला नहीं है किसी भी कर्म से रत्ती भर कोई रोकने वाला नहीं है पूर्ण स्वतंत्रता है तो कृष्ण कह रहे हैं कि पूर्ण कर्मों की स्वतंत्रता देकर तुमको पैदा किया है ये पहला मैसेज है परमात्मा का मनुष्य के लिए अब मैंने कर्म कर दिया सृष्टि बनाने का मेरा कर्म ओवर हुआ तुम्हारी रचना करके अब तुम कर्म द्वारा अपना उद्धार करो तुम कर्म द्वारा अपना उद्धार करो और ये कर्म जो स्वतंत्रता दी है कर्म करने की वो तुम्हें हर इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा हम सब जानते मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता और पिछले ४०० साल में विज्ञान ने क्या नहीं किया कृष्ण इस समय क्या नहीं कर रहे हैं तो कर्म द्वारा मनुष्य कुछ भी कर सकता है आज तो हम चांद और मंगल पे पहुंचे हैं अगर ये गीता फैल गई और इंटेलिजेंट लोगों तक फैल गई तो पूरे ब्रह्मांड पे मनुष्य घूमता नजर आएगा कोई चांद कोई तारा मनुष्य से अछूता नहीं रह सकता मनुष्य सबसे बड़ी स्वतंत्र सत्ता है जो कुछ भी कर सकती है कर्म के बल पर इस श्लोक को एक बार फिर सुन लेना आप अब समझना अब आप लोगों के लिए ये श्लोक समझना आसान हो जाएगा कृष्ण कह रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने यानी जिसको भी आप है ना एनर्जी कहते परमात्मा कहते आत्मा कहते, नास्तिक लोग एनर्जी कहते जो भी मान लें तो शून्य से यानी कि कल्प के आदि में यज्ञ सहित यानी उसने भी कर्म किया उस शून्य ने भी कृष्ण कह रहे कर्म किया और आखिर में प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो सो so, कर्म के अलावा मनुष्य के पास दूसरा कोई भी हथियार नहीं है तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना में कर्म है मनुष्य के स्वभाव में कर्म है मनुष्य की रचना में कर्म है मनुष्य के मकसद में कर्म है और कर्म की उसे पूर्ण स्वतंत्रता है वो चाहे वो पा सकता है अगर कर्म उस अनुसार करे तो सो so, तुम लोग प्रगति को प्राप्त हो है ना और हम लोग पिछले 300 साल में प्रगति को प्राप्त हो चुके हैं अब आगे कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो अब थोड़ा सा देवता शब्द भी समझ लेना देवता यानी कि आम मनुष्यों से अलग जो शक्तिशाली है जो हजारों हजारों लाखों को पाल सकता की सेवा कर सकता जो आम नहीं है किसी पे आश्रित नहीं है चाहे हम वैज्ञानिक कह दें चाहे कलाकार कह लें चाहे बुद्ध कृष्ण क्राइस्ट कह लें है ना चाहे उद्योगपति कह लें लेकिन वो जो हजारों लाखों को पालता रहा दिखाता एंटरटेन करता नौकरी देता चाहे वैज्ञानिक आविष्कार करता वो देवता है तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम लोग देवताओं को उन्नत करो उन्हें बैकग्राउंड दो बढ़ने का है ना और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करे यानी कि हमारे बीच में जो प्रतिभावान है तुम उसको माहौल दो उसकी प्रतिभा बढ़ाने का माहौल दो वो आगे बढ़ेगा वो तुम्हें बहुत कुछ देगा तुम दोनों एक दूसरे को दो इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को देकर तुम लोग सामूहिक प्रगति करोगे हमारा कोई लेना देना नहीं कृष्ण के न परमात्मा का तुम्हारे जीवन से कुछ भी लेना देना नहीं तुम्हें कर्म की सत्ता दी तुम्हें कर्म का पावर दिया अब तुम कर्म करो बड़े ध्यान से समझना एक एक शब्द क्योंकि पूरे जीवन का खेल इसी पे टिका है और इसी बात को अकेले कृष्ण ने कहा है आज तक न किसी ने कहा है न किसी ने समझा है सो तो आप तो गीता में पीएचडी हो चुके किसी भी जानकार से ज्यादा सो तो यह श्लोक भी एक बार फिर से सुन लेना कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा ने कहा प्रजा को रचकर कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करे इस प्रकार निस्पार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे अब स्पष्ट समझ लेना कृष्ण जो कहना चाह रहे हैं वो समझ लेना हमें कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता दी हमें इच्छा भी दी चाहे जितनी कर लो कोई रोकने वाला नहीं पूरी करना हो तो कर्म करो कोई तुम्हारी सहायता को यहाँ पर नहीं है मनुष्य के लिए प्रकृति बना दी न हमें चांद उगाने न विटामिन डी का आविष्कार करना न पानी बनाना न हवा में ऑक्सीजन खोजना वो सब रेडीमेड दे दिया इसके बाद में मेरी ड्यूटी खत्म कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा की ड्यूटी खत्म हो गई अब तुम इंसान आपस में मिलके कर्म करो अब हर इंसान एक सा नहीं है कुछ प्रतिभावान है कुछ एक्स्ट्रा प्रतिभावान है तो उनको माहौल दो उनकी सहायता करो उन्हें इज्जत दो उन्हें सम्मान दो उनका धन्यवाद मानो वे आपकी सहायता करें आप उनकी सहायता करो और दोनों कल्याण को प्राप्त हो जाओ होना चाहो तो वरना महाभारत कर दो है ना जैसी कृष्ण जहां खड़े वो ही मनुष्य है उन्हीं के कर्म है और उन्हीं के कर्मों से यहाँ महाभारत का युद्ध होने वाला है और आज हमारे कर्म में पांच हजार वर्ष बाद कि हम चांद तारों पे पहुंच रहे हैं हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, है ना तो ये हमारे कर्म है तो कृष्ण कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रपोशनेट है और तुम्हारा उद्धार अब तुम लोग ही आपस में मिलके कर सकते अब परमात्मा का कुछ भी लेना देना नहीं कर्म के अलावा उद्धार नहीं है कृष्ण का पूरा एम्फेसी समझ लेना और यह जीवन का सत्य समझ लेना कोई भी गलत फेमी मत पालना कि मनुष्य के लिए कोई खड़ा है कोई खड़ा नहीं है आपके अपने कर्म के सिवा चाहो तो करो चाहो तो मत करो है ना या इच्छाएं करते रहो कर्म मत करो फिर रात को रोते रहो जैसा मर्जी आए वैसा करो कर्म जितना होश में करोगे उतना पाओगे जितना बेहोशी में करोगे खोगे आपस में मिलके करोगे तो बढ़ोगे आपस में झगड़ के करोगे तो मरोगे तुम्हारी धरती तुम्हारा जीवन तुम लोग जानो हमें कुछ लेना देना नहीं ये हमने नियम बना दिया आपको फर्स्ट मैसेज दे दिया कृष्ण कह रहे हैं अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने आगे कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे बड़े ध्यान से समझ लेना एक बार फिर से कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे अब गालिब ने कविताएं लिख दी या कृष्ण ने गीता कह दी तो बिन मांगे हमें मिली है है ना समझ लेना एडिसन ने लाइट खोज ली तो हम तो जानते भी नहीं एडिसन को है ना लेकिन लाइट हमें मिल गई तो देवता बिन मांगे ही तुम्हें देंगे बड़े ध्यान से समझना जो एक एक शब्द कृष्ण का एक एक शब्द ध्यान से समझना कबीर के दोहे हम मांगने नहीं गए हम कुछ भी मांगने नहीं जा रहे ये जगत में जितने भी पचास हजार लाख देवता हुए ना पांच हजार वर्ष में उन्हीं के कारण हम प्रसन्न हैं उन्हीं के कारण हम किसी एंगल से मनुष्य दिख रहे हैं हमारे लक्षणों से नहीं बड़ा स्पष्ट समझ लेना और जब आप कोई गाना सुनते तो गाने वाला देवता है जो आपको सुकून पहुंचा रहा है कोई कविता पढ़ते गीता पढ़ते या कुछ भी करते जब भी लाइट जलाते आपके अंदर से एडिसन के लिए धन्यवाद क्यों नहीं निकलता बस यही तो आप मार खा रहे हैं समझ लेना कोई भी चीज किसी ने भी दी है आप क्या लाइट की कीमत गिनते हैं दस रुपए का बल्ब पचास रुपए का बल्ब ये कीमत है अरे सब के सब मिलके मर जाएंगे ना तो लाइट नहीं खोज पाएंगे मर जाएंगे खप जाएंगे कर्म करते करते लाइट नहीं खोज पाएंगे उसके लिए देवता के स्तर तक उठना पड़ता है आसान नहीं है और गीता वही हमें सिखा रही है कि देवता के स्तर पे कैसे उठना लेकिन पहली सीढ़ी मैं आपसे कहता हूं भीतर तक रिस्पेक्ट होनी चाहिए देवताओं की लेकिन यहां तो उल्टा माहौल है देवताओं पे उंगली उठाते इसने ये किया ये ऐसा है अबे तू बैठे रहना मेरे भाई ए? So, जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं उसे समझ लेना फिर उसकी गहराई में मैं जाऊंगा अभी आप इतना समझ लें कि पहली स्टेप पर कम से कम धन्यवाद का भाव होना चाहिए इतना सा समझ लो कि घर में से टीवी हट जाएगा ना या दुनिया से सिर्फ टीवी हटा लेंगे ना तो इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते और अगर मोबाइल नहीं होगा ना तो आसपास वाले आपका कान खा जाएंगे मोबाइल के बहाने कहीं ना कहीं लगे रहते हैं हमारे अंदर से धन्यवाद नहीं निकलता हम समझते हैं दस हजार रुपए दे तो दिए मोबाइल के ये दस हजार की चीज है जरा सोचना कभी कल्पना करना जब आप कोई चीज लाते हैं आप सोचते मैंने कीमत दे दी अरे क्या हैसियत है हमारी जो इन चीजों की कीमत देंगे एक बीस रुपए की किताब खरीद के ले आए और गालिब के शेर पढ़ रहे हैं खरीद के पढ़ रहे हैं ये तो देवता अच्छे हैं जो बिन मांगे दे रहे हैं थोड़ा समझ लेना इस बात को सो so, धन्यवाद और आप कल्पना करो ये देवता ना होते ये गीता ना होती कबीर के दोहे ना होते गालिब ना होते रफी किशोर ना होते आप कल्पना करो टीवी ना होता मोबाइल ना होता इलेक्ट्रिसिटी ना होती अरे बिल्डिंगे ना बनी होती गाड़ी गोले ना होते आप कल्पना करो क्या चाहिए क्या हो जाएगा जीवन कल्पना करो मैं कई बार पूछता हूं ये पूरा संसार झूठ बोलता है और कृष्ण को और मुझे सबसे पहले पसंद नहीं है वो झूठ आपको देवताओं का प्रसाद चाहिए आपको ईश्वर थोड़ी चाहिए हैं? अभी चॉइस देता हूं मैं कि चलो एडिसन बोलता था बाइबल बकवास है एडिसन बोलता था और आप तो क्राइस्ट के भगत है चॉइस करो बल्ब चाहिए कि क्राइस चाहिए चॉइस देता हूं सब बोलेंगे देखो भाई क्राइस्ट दिल में है बार बल्ब चाहिए है <laughs> ना तो गलत बात मत करो हमें देवताओं का प्रसाद चाहिए और देवता बनने का पहला लक्षण है कि जब भी हम कोई चीज लेते तो सोचो कि हमारी हैसियत नहीं है ये उन की मेहरबानी है अगर वो भी हमारी तरह रहते जो कृष्ण आगे कह रहे हैं उसे समझ लेना अगर ये देवता भी हमारी सोच के होते तो क्या होता सु कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चित ही देते रहेंगे क्योंकि यही तो देवता का लक्षण है वो बांटने के लिए आया है हम लेने के लिए आए हैं और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है यही बात मैंने आपसे कही अगर हम धन्यवाद भी नहीं दे सकते क्या कमाल हम करते हैं जरा सोचें पांच हजार वर्ष में हम कहां से कहां पहुंचे हैं और ये किसकी वजह से पहुंचे हैं निश्चित ही हमें कहना पड़ेगा कि हम लोगों की वजह से नहीं पहुंचे लेकिन जितने देवता हुए उन्होंने क्या नहीं दिया अगर वे भी हमारी तरह सोचते अगर एडिसन भी सोचता कि मैंने बल्ब खोजा सिर्फ मेरा खानदान वापरेगा तो सोचो या मैं पांच हजार जनों को ही दूंगा तो जितने भी पांच हजार लोग हैं ना उनकी फिफ्टी परसेंट संपत्ति चली जाती साहब बल दो ये सौ रुपए की चीज नहीं है थोड़ा इस बात को को समझना तो देवता लोगों को जो देता नहीं पलट के आप क्या दे सकते हैं सिवाय धन्यवाद के अभी तो हमारी हैसियत उतनी बड़ी ही नहीं है कि हम इनको कुछ दे पाए फकीरों को कोई कुछ आज तक दे नहीं पाया है इसलिए उनको फकीर कहते हैं चाहे एडिसन हो आइंस्टाइन हो मोजार्ट हो किशोर हो रफी हो आप क्या दे देंगे किसी को गालिब हो कबीर हो कृष्ण हो क्या दे देंगे हम इनको क्या हमारी हैसियत है देने की तो एक हैसियत है धन्यवाद देने की वो भी हमसे देते नहीं बनता है ये गलत है थोड़ा सा आपने भीतर झांकना कि हम इंसान क्यों नहीं रह गए हैं अंदर से धन्यवाद आना ही चाहिए एक डॉक्टर सर्जरी करता है आज मेडिकल साइंस ने कितनी प्रोग्रेस करी है हम कल्पना नहीं कर पाते इतना ब्लड निकाल के इतना सा ब्लड निकाल के पूरे शरीर की रिपोर्ट दे देते अब कल्पना करो 500 साल पहले क्या होता था जब ब्लड नहीं था और 5000 वर्ष पहले क्या होता था छोटी सी बीमारी और आदमी मर जाता था अब ये इतना आसान है जरा कल्पना करना खोजना हम तो कहते हम तो परेशान है भगवान हमारे साथ ठीक नहीं कर रहा अरे मेरी परेशानी तुम क्या जानो अरे परेशानी साइड में छोड़ जरा गालिब के शेर लिख के बता ये बल्ब खोज के बताओ चांद तारों पे जाके बताओ कुछ तो हम करते नहीं कुछ हमसे होता नहीं और जिन्होंने किया उनकी बदौलत जी रहे हैं अगर वो वापस आ जाएं कि सब वापस दे दो तीन दिन जी के बता देना ये मंदिर मस्जिद चर्च छोड़ दूंगा मैं वो यहीं के यहीं रहेंगे सिर्फ देवताओं को हटा दो चाहे चालीस ना हो कोई भी क्यों ना हो आप देखना जो आपके जीवन को बचा रहा है जो आपको मानसिक शांति दे रहा है जो आपको संतोष दे रहा है जो सुकून के दो पल दे रहा है वो देवता है और उन्हीं की बदौलत आप जीवित हैं और हम ऐसे कलाकार हैं उन्हें तो याद ही नहीं करते उनकी तरफ देखते भी नहीं और पंडित मौलवी पादरी दिखे नहीं कि झुक जाते क्या दे रहे हैं वो क्या दे दिया उन्होंने जगत को जरा कल्पना करना अरे आज के युग में कम से कम बीस करोड़ होंगे पंडित मौलवी पादरी उनसे मिल क्या रहा है किसी को जो एक गालिब से मिल गया जो एडिसन से मिल गया क्या मिल रहा है हमको लेकिन बुद्धि में भ्रम है हमारी बुद्धि में संशय है हम कुछ समझ ही नहीं रहे हैं अकारण जीवन में दुख नहीं है इस लोक को समझ लेना कि देवताओं के दिए भोग तो आप भोग रहे हैं लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं दे रहे अब इतनी नींद में है इतने प्रमाद में है हम लोग इतने सोए हुए हैं फिर क्या होगा और कमाल कमाल के लोग हैं ऐसा भी नहीं है कितने सोए हुए हैं सुबह दोहे सुनते कबीर के पत्थर पूजे हरी मिले तो पूजू पहाड़ इससे तो चक्की भली पीस खावे संसार श्लोक सुना सुबह छह बजे आठ बजे मंदिर भी चले जाते आप कमाल करते फिर सुबह कबीर लगाते फिर मंदिर जाते हम कमाल कमाल के कमाल करते <laughs> थोड़ा गौर करना हम करते क्या सोम उम्मीद करता हूं कि कोई भी चीज को हम हाथ लगाते जब देवताओं की वापरते तो और कुछ तो नहीं दे सकते आपके एक धन्यवाद से आपके पूरे व्यक्तित्व में फर्क पड़ जाएगा चमत्कार हो जाएगा तब जाके देवताओं की फ्रीक्वेंसी आप पकड़ेंगे और तब जाके भीतर से देवता प्रकट होना शुरू होगा ये सिद्धांत की बात समझ लेना तो कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है आगे कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं ब्यूटीफुल <laughs> कृष्ण का कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं ये जितने भी देवता हैं जितने भी प्रकार के हैं चाहे वैज्ञानिक है चाहे, के, चाहे कलाकार है।, है ना अभी समाज और धर्म उनको क्या समझता मुझे नहीं मालूम आप समझ लेना सत्य ये है कि वे ही देवता है और क्यों देवता है कृष्ण कह रहे हैं क्योंकि वो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं अपने जीवन का पूरा यज्ञ पूरा कर्म सबको समर्पित करते हैं और अपने पूर्ता उतना ही कर्म करते हैं जितना जिंदा रहने के लिए प्रसन्न रहने के लिए जरूरी है अब आप सारे देवताओं का जीवन पढ़ लेना 90 परसेंट लाइफ तो सबके लिए देते हो और अब 10 परसेंट में जी लेते तो आप कहते ये तो जीता है वो बोगस आदमी है। देखो हमारे सन जीते ही नहीं अरे महाराज वो तो जीते भी नहीं जीने देते भी नहीं कहा मुकाबला कर रहे हो आप सो एक बार फिर ये श्लोक समझ लेना एक एक शब्द कृष्ण का समझ लेना कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं अर्जुन फिर वो कुछ भी करे कुछ भी करे कैसे भी जिए उनको पाप नहीं लगता क्योंकि पूरा का पूरा यज्ञ यानी उनके जीवन का पूरा कर्म वे सर्व को दे रहे हैं उनके कर्म से सर्व का उद्धार हो रहा है और पहले ही कृष्ण ने कहा एक ही कंडीशन में मनुष्य आया है एक ही मकसद से आया है और एक ही दायरे में उसको बांधा गया है कि तुम कर्म करो कर्म द्वारा आपस में एक दूसरे का विकास करो एक दूसरे का उद्धार करो और प्रगति को प्राप्त हो ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य को इस उद्देश्य से पैदा किया है कि वो खा सकता हो पर खाए ना जी सकता हो पर जिए ना तो फिर फायदा क्या हुआ तो फिर कर्म की स्वतंत्रता का फायदा क्या हुआ हमारे भीतर उठते भावों का इच्छाओं का फायदा क्या हुआ तो कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं हमको इसलिए पैदा नहीं किया गया है कि इच्छा ही ना करे इच्छा पूरी करो कृष्ण कह रहे हैं पहले श्लोक में कि तुम कर्म द्वारा अपनी तमाम इच्छाएं पूरी करो इच्छाएं छोड़ के मत जाओ ये नहीं कह रहे इच्छाएं सारी त्याग दो कष्ट नहीं होगा अरे फिर तो मर जाए कष्ट क्यों होगा जब मरी गए तो कष्ट किसको होगा अरे इच्छाएं पूरी करो इच्छाएं पालो लेकिन उनको पूरी करो तो पूरी करने के लिए कर्म करना पड़ेंगे अभी हो क्या रहा है इच्छा हम करते हैं कर्म हमसे होते नहीं इच्छा सब जने कर रहे हैं जात जात की कितनी बड़ी बड़ी और उसको पूरी करने के लिए जो कर्म आवश्यक है वो हमसे हो नहीं रहे हैं बस यही तो गड़बड़ है इच्छाओं में कोई गड़बड़ नहीं है सो तो कृष्ण पूर्ण है इस बात को थोड़ा समझ लेना अतः जीवन का मकसद अगर आप अब भी ना समझे हो तो समझ लेना कि सर्व पे है जितना आप सर्व को बांटने की क्षमता बढ़ाएंगे उतना आपका जीवन सेट होगा हाय

साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है आई हैव रेड द बुक इट क्लियरली आइडेंटिफाइज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन योर ब्रेन एंड द माइंड ऑल द सेवन स्टेट्स ऑफ द माइंड आर क्लियरली डिफाइंड इन दैट बुक and that's that's the best thing about the book so it's a very nice book written in a very clear language मेरा तो मानना है, मैं man hu pustak हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं उनको कोई पाप नहीं लगता कृष्ण महाभारत करवा ले यादवा स्थली करवा दे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना लेकिन आगे कह रहे हैं और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं अब दो अलग अलग बातें कृष्ण अंत में कह रहे हैं एक तो यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले यानी मैं अगर एक महीना काम करता हूं तो कायदे से मेरा अधिकार दो दिन स्वयं के लिए काम करने से ज्यादा का नहीं है और मैं अपने जीवन में रेशो मेंटेन भी करता हूँ है ना कि अपने लिए दो दिन सर्व के लिए अट्ठाईस दिन ये परफेक्ट बैलेंस है अब कृष्ण कह रहे हैं कि भाई जीना तो पड़ेगा तो जीने के लिए जब 90 परसेंट कर्म मनुष्य सर्व के लिए करता तो 10 परसेंट पर्सनल जीने के लिए करता तो वो जो 10 परसेंट में कुछ भी करता उसको पाप नहीं लगता क्योंकि वो अपने को बचाता अपने को भरता अपने को फूलाता अपने को बढ़ाता अपने को संभालता है ना ताकि सर्व का काम कर सके अगर कृष्ण छप्पन भोग भी खा रहे हैं तो सर्व के लिए है ना कृष्ण ने द्वारका बनाई तो भी सर्व के लिए कृष्ण छल और कपट कर रहे हैं तो भी सर्व के लिए और अर्जुन को अभी गीता सुना रहे हैं तो भी सर्व के लिए क्यों क्योंकि छप्पन भोग खाते तो कृष्ण बांसुरी बजाते तो कृष्ण है ना रास रचाते तो कृष्ण लेकिन उस रास से जो एनर्जी आती वो पूरी की पूरी सर्व पे निछावर करते कृष्ण का जीवन मैंने पूरा का पूरा लिखा है और अगर देखूं बराबर तो कृष्ण बारह चौदह साल पूरे उफान पे जिए हैं और बचा हुआ समय अगर मैं गिनूं नब्बे वर्ष तो सर्व पे निछावर किया है जब वो है ही नहीं अस्तित्व में सिर्फ सर्व के लिए जिए हैं। सो अब दो बात समझ लेना कि जो अपने लिए अन्न पकाता है वो पाप को खाता है और हम कर क्या रहे हैं हम सिर्फ अपने लिए पूरे समय कर्म करते पूरे तीस दिन पूरे जीवन भर और बहुत हुआ तो अपनों के लिए कर्म करते वो पाप को ही खा रहे हैं जो मूल सिद्धांत है उसको हम छोड़ रहे हैं इतनी सी बात अब सब जने समझ गए होंगे मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन बचा होगा कि हम किस मकसद से आए हैं हम सर्व की सेवा करने आए हैं मनुष्यता की सेवा करने आए हैं हम अपनी सेवा करने नहीं आए हैं हमें अपनी सेवा उतनी करनी है जिसके आधार पर जिसकी शक्ति से जिसके बेस पर हम मनुष्यता की सेवा कर सके बड़ा सीधा और सरल गणित है इस जीवन का लेकिन जो सिर्फ स्वयं के लिए जी रहा है और जिसके जहन में मनुष्यता है ही नहीं कृष्ण कह रहे हैं कि वो पाप को खा रहा है लेकिन देवता जो अपनी अस्सी से नब्बे प्रतिशत ऊर्जा सर्व पे लगाता है जो एडिसन अपना पूरा जीवन लेबोरेटरी में बिताता है अगर रफी साहब ने 25000 गाने गाए हैं तो मजाक नहीं है क्या एनर्जी चाहिए उसकी हमको कल्पना ही नहीं है एक शेर लिखने में गालिब को क्या एनर्जी चाहिए उसकी हमें कल्पना ही नहीं है इस गीता में कृष्ण किस ऊंचाई पर बैठे हैं या पूरे जीवन कृष्ण ने क्या क्या ऊँचाइयां छू है उसकी हमें कल्पना ही नहीं है और हम उस जगह बैठे हैं जहां कोई घुर के देख लेता तो तूफान आ जाता इतनी शक्ति नहीं है हमारे में हम कमजोर बैठे हैं शक्तिहीन बैठे हैं हमारे में शक्ति ही नहीं है हम क्या सर्व का करेंगे अपना ही नहीं कर पा रहे हैं तो कृष्ण कह रहे उसका कारण क्या है आप अपना क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप अपना करना चाह रहे हैं आप मनुष्यता का करना नहीं चाह रहे हैं। आप सर्व का करना नहीं चाह रहे हैं। तो जो मनुष्य को पैदा करने का बेसिक प्रिंसिपल है उसको आप तोड़ रहे हैं इसलिए आपके जीवन में कोई भी सुख सफलता नहीं आ रही है आप जिनको भी सफल कहते एक आदमी बता दो कि ये सफल है और इसने सर्व का नहीं किया वो सफल ही इसलिए सर्व का किया मनुष्यता का किया एक भी उदाहरण बता दो इतिहास में कि ये व्यक्ति सफल है लेकिन इसने कुछ नहीं किया किसी के लिए ऐसा एक व्यक्ति नहीं है सो इस श्लोक में दो बात समझना स्व यानी स्वयं और सर्व यानी मनुष्यता इन दोनों को बराबर बढ़ाने के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि आपको जन्म मिला है और बड़ा आप सिर्फ कर्म करके सकते हैं दूसरा कोई उपाय नहीं है मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता है वो सिर्फ कर्म करके बढ़ सकता है दूसरा कोई उपाय नहीं है कोई उसकी सहायता में नहीं खड़ा है न कोई मंत्र न कोई तंत्र न कोई धागा न कोई भगवान न कोई ईश्वर कुछ भी आपकी सहायता को नहीं खड़ा है सिवाय आपके कर्म के चाहो तो करो चाहो तो कम करो चाहो तो मत करो दूसरा कोई आपकी सहायता को नहीं खड़ा है ये बात बड़ी पूर्वक समझ लेना और ये समझ लिया तो आपके 99% परसेंट सो कॉल्ड जो भी धर्म है वो सबके सब, सब शून्य हो जाते क्योंकि वो कहते कि हम खड़े हैं और कृष्ण कह रहे हैं कि बेसिक प्रिंसिपल में कोई भी नहीं खड़ा है न कोई खड़ा रह सकता है कृष्ण भी खड़े हैं अर्जुन के सामने लेकिन खड़े के खड़े हैं है ना कृष्ण भी हैं तो कृष्ण से बड़ा तो कोई भी नहीं है लेकिन कोई भी आपकी सहायता को नहीं खड़ा है सिवाय आपके कर्म के अर्जुन चाहे कृष्ण की बात समझे अर्जुन चाहे जल्दी समझे कर्म अर्जुन को करना पड़ेगा वन साइडेड कृष्ण कुछ नहीं कर सकते सो so, कृष्ण ने इन चार श्लोकों में समझाया कि यज्ञ के निमित्त कर्म यानी सारे वो कर्म जिससे सर्व का फायदा होता हो ये सर्व शब्द समझ लेना मनुष्यता समझ लेना तो उसके लिए किया गया कोई भी कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन में नहीं बनता है एक ही कर्म ऐसा है सर्व संपूर्ण सबको ध्यान में रखकर किया गया कर्म एकमात्र ऐसा कर्म है जिससे मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं बनता है और बाकी जो भी वो कर्म करता इसके अलावा वो कर्म के बंधन में बनता है कृष्ण स्पष्ट कह रहे हैं कि जो देवता लोग सर्व पे निछावर हैं और अपने आप को उतना ही बचाते और सिर्फ इसीलिए बचा रहे हैं ताकि वो सर्व का ज्यादा ज्यादा कर सके वो फिर कुछ भी करे वो पाप को प्राप्त नहीं होते क्योंकि निशाना सर्व पे है स्वयं पे नहीं है आगे कृष्ण कह रहे हैं हे अर्जुन <laughs> क्योंकि कृष्ण को डाउट गया कि अर्जुन कभी यज्ञ से ये ना समझ ले हे कृष्ण यज्ञ इतना महान है तो मैंने कभी इनकार किया चलो हम दोनों यज्ञ करने चलते हैं <laughs> तो कृष्ण को भी लगा कि अर्जुन शास्त्रों वाला है कहीं यज्ञ को कुछ और ना समझ ले तो पहले तो बोले यज्ञ के निमित्त कर्म फिर स्पष्ट किया कि यज्ञ के निमित्त कर्म पहले तो ये कहा और फिर स्पष्ट करा कि यज्ञ यानी कर्म फिर भी कोई जगह कृष्ण नहीं छोड़ते जगह निकालने वाले निकाल लेते अपनी नासमझी से नींद में सोए प्रमाद अज्ञान और सो कृष्ण आगे कह रहे हैं और स्पष्टता करते हुए कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है और हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित ष्टी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है ब्यूटीफुल अब कृष्ण कह रहे हैं बड़े ध्यान से समझना कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं है ना हमारा शरीर कहीं से बना है अन्न से बना है तो संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है वृष्टि यज्ञ से होती है यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न जान और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है यानी कर्म में लगा हुआ है सदा से परमात्मा कर्म में लगा हुआ है कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है अन्न भी कर्म कर रहा सूर्य भी कर्म कर रहा सब जने कर्म में लगे हैं और आगे जब कृष्ण इसको कहेंगे इसका टोटल सार ये है कि कण कण में परमात्मा है कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन कण कण में परमात्मा है उसके अलावा कुछ नहीं मौजूद और सारे मनुष्य संयुक्त थे उसके अलावा कोई नहीं मौजूद एक संयुक्तता है यहां पर समझ लेना कोई मनुष्य इंडिविजुअल जीवित नहीं है यह उसका भ्रम है लेकिन यह भ्रम मैं आपका समय में तोड़ दूंगा भाग्य में तोड़ दूंगा गीता में कृष्ण जितना तोड़ेंगे उतना तोड़ूंगा तो कृष्ण कह रहे हैं कि सब कर्मों में परमात्मा शामिल है सब कुछ संयुक्त है कण कण में वही है उसके अलावा कुछ नहीं मौजूद है ना हमारा शरीर भी अन्न से बन रहा अन्न प्रकृति से आ रही है ना कर्म वेदों से यानी सुन सुन के कर रहे कर्म कर्म समुदाय वेदों से यानी बाहर के ज्ञान से हम कर्म करने को उत्सक रहे और वेद को परमात्मा से उत्पन्न जान ज्ञान कहाँ से आ रहा है कृष्ण कह रहे हैं कि अच्छा या बुरा ज्ञान कहाँ से आ रहा है वो परमात्मा से उत्पन्न जान अर्थात तमाम चीजों में वो है और सारे कर्मों में वो ही है अब कृष्ण कह रहे हैं कि जब सब में वो है तो मनुष्य जीवन का मकसद एक ही है कि सबका ध्यान रखो बस तो अंत में कह रहे हैं कि जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार से परंपरा से प्रचलित ष्टी चक्र के अनुकूल नहीं बरतता यानी 24 घंटे उसका निशाना संपूर्ण मनुष्यता होना चाहिए बड़े ध्यान से समझ लेना 24 घंटे 24 फोर सेवन हर कर्म में चाहे विचार कर रहा हो चाहे ज्ञान ले रहा हो चाहे कार्य कर रहा हो निशाना संपूर्ण मनुष्यता होना चाहिए और उसमें जिस मात्रा में कमी आती उस मात्रा में वो बंधनों में बंध रहा है और जो इसके अनुकूल नहीं बरत रहा है जो इस सृष्टि चक्र का जो ब्रह्मा के इस नियम का जो शून्य और शक्ति के इस नियम का जिससे मनुष्य को पैदा किया गया है इसका उल्लंघन कर रहा है वो पापायु पुरुष व्यर्थी जी रहा है सो ये दोनों श्लोक एक बार फिर सुन लीजिए बड़े सरल और सीधे हैं कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है वृष्टि यज्ञ से होती है यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता यानी सर्व में परमात्मा नहीं मानता है ना और ये मानता कि मेरे अंदर स्पेशल परमात्मा है और मैं सिर्फ अपनी सेवा करूंगा और मेरे परिवार वालों में तो आ युगों की तपस्या के बाद ऐसे मिले हैं मैं उनकी सेवा करूंगा है ना बहुत हुआ तो तो कृष्ण कह रहे हैं कि जो इस सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं बरतता जिसकी निगाह में सर्व नहीं है और सर्व से निशाना इतना भी चुका एक क्षण को भी तो कर्म के बंधन में बन जाता लेकिन जिसका निशाना सर्व है उसको कोई बंधन नहीं है और मनुष्य जीवन में बंधन एकमात्र दुख का कारण है बंधन एकमात्र पाप है तो जो संपूर्ण जीवन सर्व पे निछावर नहीं कर रहा है वो पापायु पुरुष व्यर्थ ही जी रहा है इतनी सी बात बड़ी स्पष्टता से कृष्ण कह रहे हैं अब कृष्ण ये सर्व में जीने वाले मनुष्य के लक्षण बता रहे हैं उसे भी जरा गौर से समझ लेना कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है ब्यूटीफुल कृष्ण कह रहे हैं कि सर्व में लगा हुआ व्यक्ति आत्मा से ही आत्मा में तृप्त आत्मा से ही आत्मा में घूमता है आत्मा में से ही निर्देश लेता है आत्मा से ही कर्म करता है और ऐसे मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य नहीं है अब आप थोड़ा सा इस बात को समझ लेना मनुष्य सर्व में नहीं लगा है इसलिए कर्तव्यों में फंसा है और जिस मनुष्य के जीवन में कर्तव्य है उसकी राह गलत है उसने बचपन से राह गलत चुनी है तब जाके वो जमाने भर के कर्तव्यों में फंसा है मनुष्य का कायदे से एक ही कर्तव्य है और वो है सर्व और कोई कर्तव्य नहीं है सर्व के अलावा कोई कर्तव्य नहीं है लेकिन हम सोचते हमारा कर्तव्य है अब आप जिसको कर्तव्य कहते वो आपके बोझ है वो आपका बैगेज है आपके पापों की सजा है जो आप सोचते ये तो करना पड़ेगा ये तो माथे पड़ा है ये तो ऐसा है तू तो ऐसा 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 क्यों हो गया जीवन में क्योंकि आपको निगाह आपको निशाना आपको मकसद सर्व पकड़ना था आपने स्वयं पकड़ लिया आपने स्वार्थ पकड़ लिया आपको परमार्थ पकड़ना था और जब स्वार्थ पकड़ लिया तो कर्तव्य में फंस गए क्या करें ये बीमार है मैं कई बार कहता ऐसा नहीं होता आप महान लोगों को पढ़े अरे पूरा परिवार मरने को पड़ा हो और बाहर मैं हजार आदमी को जीवन दे सकता तो मैं क्या करूंगा मेरा काम है सर्व में हजार को बचाऊंगा लेकिन अभी हम परिवार में लगते फिर बड़ा कर्तव्य हम डॉक्टर नहीं है लेकिन कोई अस्पताल में भर्ती है पंद्रह दिन बिगाड़ देते उसके पास बैठ के अब आप समझ रहे हैं पंद्रह दिन आपने क्या कर्म किया आप सर्व से चूक गए और कष्ट भी पा रहे हैं। आप कर्तव्य किसको कहते जरा ध्यान से समझना जो करने की इच्छा नहीं है करने में कष्ट हो रहा है लेकिन करना पड़ रहा है आप कभी ये नहीं कहते अरे यार मेरे को खेलने का कर्तव्य निभाना है मजा आ रहा है उसमें कहेगा कर्तव्य है आप कभी ये कहते अरे यार मेरे को बड़ा टेंशन है क्यों अरे स्विट्जरलैंड घूमने जाने का कर्तव्य निभाना है अरे कोई कर्तव्य है आप उसको कर्तव्य नहीं कहते जो आपको करना है जिसमें आपको फायदा है जिसमें आपकी इच्छा है आप करते हुए किसको कहते जो मजबूरी है क्या करें तो ये क्या करे कहा घुस गया जीवन में कृष्ण कह रहे वो इसलिए घुस गया कि निशाना सर्व होना था आपने तीर उल्टा चला दिया आपने तीर स्वार्थ का चला दिया अब चला दिया तो फंस गए है ना वरना जीवन तो स्विट्जरलैंड ही स्विट्जरलैंड था है ना लेकिन कहीं फंस गए कचरा पट्टी में सो सर्व का निशाना हर मनुष्य चौबीस घंटे चुकता उसको सर्व से मतलब ही नहीं है इतना गिर चुका है कि उसे ये यकीन ही नहीं होता कि सब संयुक्त और जैसे जैसे गीता में आगे बढ़ेंगे जैसे जैसे श्लोक आगे बढ़ेंगे हालांकि इन्हीं श्लोकों में मैं आपको काफी कुछ समझाऊंगा एक साथ लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि हर पल हर सा सर्व पे निछावर होनी चाहिए सर्व से चुके नहीं कि फंसे नहीं और जितने भी सफल हैं उन्होंने सर्व की सेवा की है फिर भी हम लाइन स्वार्थ की पकड़ते हैं ये भी कमाल है मनुष्य जाति का इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सबकी सेवा की और जिन्होंने बिना मांगे दिया है ना जिन्होंने टैक्स नहीं लगाया कृष्ण गालिब कबीर कोई रॉयल्टी नहीं ले रहा है ना जिन्होंने बांटा वे महान हो गए और जो अपने लिए जीते वे फंसते चले जा रहे हैं फिर भी जीते चले जा रहे हैं और एक समय के बाद ऐसा समझते अब इसके अलावा बचा क्या बड़े संकट में हूं मैं अर्जुन भी यही समझ रहा है बड़े संकट में हूं मैं अरे वो तू इसलिए है कि जीवन भर स्वार्थ में जिया है और अभी भी स्वार्थ की सोच रहा है तो स्वार्थ तो संकट का पर्याय है स्वार्थ है तो संकट है और जितना स्वार्थ बढ़ता जाएगा और जितनी स्वार्थ की दुनिया बढ़ती जाएगी उतना संकट जीवन में आता जाएगा वरना मुझे क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है कोई इंडिविजुअल कर्तव्य है मुझे उतना ही करना है जितना मैं सर्व को बांट पाऊं मेरे लिए सर्व कर्तव्य है मेरे को इंडिविजुअल कर्तव्य क्या करना क्यों करना ये बैगेज मैं कोई कुली हूं हम कुली बन गए सब जने बैगेज उठा के चल रहे हैं और कितना बैगेज और कोई बैगेज छोड़ा नहीं है पक्के मजदूर हो गए सुबह छह बजे उठ के भी मंदिर नंगे पांव भी मंदिर अरे कितना बैगेज सर्व का कब ख्याल रखोगे वहां पे भी आप स्वार्थ के लिए जा रहे हैं जरा गौर करना आप सब कुछ स्वार्थ के लिए कर रहे हैं आपको अपनी क्यों पड़ी है वो आपकी लाइन नहीं है सो तो शॉर्ट में इतना समझना कि जो स्वार्थ में जीरा है वो व्यर्थ जीरा है वो संकटों में है आपका एक एक पल एक एक सांस एक एक देखना सब कुछ सर्व पे निछावर होना चाहिए क्योंकि आप सर्व से अलग नहीं है, है ना समुद्र इतना विशाल है सर्व है है ना सारी की सारी समुद्र की बूंदे सुरक्षित है और एक जैसी है लेकिन अगर कोई बूंद समुद्र से निकाल दो तो उसका जीवन कितना बचेगा तुरंत सूर्य की रोशनी उसको सुखा देगी समझ लेना हम भी सूख गए हैं क्योंकि हम समुद्र के पानी में हैं या हम समुद्र हैं ये हम नहीं मान रहे हैं हम ये मान रहे हैं कि हम कोई मजबूत बूंदे है ना और हम ऐसी बूंदे और हम तो धार्मिक भी हैं और मेरे पास तो जनोई भी है ताबीज भी है अंगूठी भी है मैं तो बच जाऊंगा आप बचे बचे कहीं नहीं कर्तव्यों की हजार जंजीरों में फंसे पड़े हैं क्या कहूं मैं इतना बेगेज उठा के चल रहे हैं कुछ मिल नहीं रहा है मौत आने को है समय लिमिटेड है कृष्ण पहले ही कह चुके कि मरने के बाद अप्रत्यक्ष मरने के पहले अप्रत्यक्ष मुश्किल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष खड़ा हुआ है उसमें भी रो रहा है कैसे मारूं किसको मारूं मैं मरूंगा ऐसे रोते रोते जीवन गुजर जाएगा क्या फायदा होगा फिर दोबारा नहीं मिलने वाला आत्मा भले ही हमारो समझ लेना दोबारा नहीं मिलने वाला है। अतः थोड़ा सा मजा देखो आप सर्व की बात करते जरा देखना जरा किसी को प्रेम से बिना कामना के है ना फिर कामना धन्यवाद की नहीं इज्जत की नहीं ये मुनियों की तरह नहीं उपवास भी करेंगे तो तस्वीर आनी चाहिए पेपर में सो समझ लेना आप बिना कामना के किसी को कुछ देके देखिए तब आपको समझ में आएगा कि एक के लिए कुछ किया और इतना सुकून मिल रहा है तो कुछ सर्व का कर देंगे तो भीतर कितना मजा आएगा जरा गौर करना ये क्या मेरे को टेंशन मेरा करना है मेरा टेंशन अरे क्या हमने मचा रखा है मनुष्य है कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है हमारे पास कर्म की वो ताकत है प्रकृति से कि हम पूरी प्रकृति हिला के रख दें परमात्मा दूर दूर तक कहीं दिखेगा नहीं बीच में आने वाला नहीं है इतनी ताकत देके भेजा है और ऐसे कमजोर हो गए हैं कि खुद का जीवन जीने के लाले पड़े हुए हैं क्योंकि हम स्वार्थ की जंजीरों में उलझ गए हैं तो कृष्ण कह रहे हैं अरे भाई आप लोग भी कमाल करते मुझे एग्जिट मालूम है कहां ब्रेक लेना है <laughs> दूसरा मुझे यह भी मालूम है किसके क्या संकट है <laughs> लेकिन सवाल यह कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए <laughs> क्योंकि गाड़ी स्टेशन पर खड़ी हो तो अच्छा लगता है दो स्टेशन के बीच में कैसे खड़ी कर दें? है ना अंत में कृष्ण कह रहे हैं इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित तो होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रह कर्तव्य कर्मों को यानी सर्व को ध्यान में रखकर अगर मनुष्य का कुछ कर्तव्य है तो एकमात्र यही कि हर पल हर क्षण हर सांस में वो सर्व का ख्याल रखे संपूर्ण मनुष्यता का ख्याल रखे ये एकमात्र कर्तव्य है लेकिन हमने अपना जीवन ऐसा उलझा दिया है कि एक इसको छोड़कर जमाने भर के कर्तव्य हमारे जीवन में पड़े हुए हैं तो कृष्ण कह रहे हैं कि इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को बली करता रह क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जनक आदि ज्ञानी भी शब्द सुन लेना जनक आदि ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है कृष्ण पूरी गीता में एक ही व्यक्ति को ज्ञानी मानते हैं वो जनक को इसलिए जनक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है लोक संग्रह शब्द इसमें एक नया यूज़ कर रहे हैं जैसे यज्ञ के निमित्त कर्म यूज कराता श्लोक के प्रारंभ में लेकिन लोक संग्रह क्या है वो कृष्ण आगे समझाएंगे तब हम कवर करेंगे अभी कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म करने के लिए हम पैदा हुए हैं तुझे कर्म करना ही योग्य है लोक संग्रह को देखते हुए भी हमारी रचना हमारा मकसद देखते हुए भी हमारी रचना हमारा मकसद देखते हुए भी तुझे नहीं मुझे नहीं सभी को कर्म करना एकमात्र उपाय है और कर्म तू कर्तव्य कर्म कर स्वार्थ की मत सोचे कर्तव्य कर्म कर सर्व की सोच और युद्ध के लिए खड़ा हो जा अब हम ब्रेक लेते हैं ठीक है मैंने श्लोक सुना दिया ताकि इंटर के बाद अब किसी चीज की जरूरत नहीं हम सीधे चलेंगे थैंक यू वेरी मच पढ़िए मैं मन हूँ के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य आत्मा के रहस्य सफलता के रहस्य साइकोलॉजी के रहस्य जीवन के रहस्य प्रेम के रहस्य प्रकृति के रहस्य ऑटोमेशन के रहस्य रिश्तों के रहस्य अहंकार के रहस्य समय के रहस्य मन के रहस्य ये किताब अंग्रेजी हिंदी मराठी तथा गुजराती में एक साथ आत्मन -e पर भी उपलब्ध है। कृष्णा, कृष्ण ग्रिश्न का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था कृष्ण ने कितने विवाह किए कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का धीश सफर कैसे तय किया ये यादव स्थली क्या है इन तमाम सवालों के जवाब जानिए दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा मैं कृष्ण हूँ ये किताब अंग्रेजी हिंदी मराठी तथा गुजराती में एक साथ आत्मन ई स्टोर डॉट कॉम साथ ही सभी प्रमुख ई कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो। जैसे की, path of life personality complex guilt love expectation partiality acceptance fear hypocrisy creativity wealth who is god concentration confusion power of transformation joy and success mind and brain day sleep natural intelligence चेंज योर फ्यूचर ईगो नॉन वायलेंस फ्रीडम तथा टॉक्स ताओ के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर फिलोस के महान सूत्रों पर चर्चा परिचय समय मन सफलता संकट धर्म राजनीति और टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा आप ये तमाम डीवीडीज और सी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं ये तमाम डीवीडीज और सी आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान to greatness. स्टीव, स्टीव जॉब्स बनने की कहानी हॉटी टू डॉन्टी चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी ना सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध